अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं अमीर हमज़ा और वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ये करेंगे कि OPDP और KFC दोनों का जो फ्राइड चिकन है वो कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन पहले मैंने इस तरह बनाई थी कि KFC का जो फ्राइड चिकन था वो मैंने जाके वहीं पर बैठ के खाया था और OPDP का OPDP पर बैठ के खाया था, तो वो कंपैरिजन सही हो नहीं सका था। आज हम जाएंगे KFC से पहले लेंगे फ्राइड चिकन, उसके बाद वो फ्राइड चिकन लेके आएंगे OPDP पे और OPDP का भी फ्राइड चिकन ऑर्डर करेंगे और दोनों को बिल्कुल साथ रख के कंपैरिजन करेंगे। अभी जाते हैं KFC पे, वहाँ से जाके ऑर्डर करते हैं अपना फ्राइड चिकन जो है क्रिस्पी बॉक्स, और फिर यहाँ पे आके ऑर्डर करेंगे और दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं। प्राइस भी देखेंगे कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, और प्राइस के लिहाज से फ्लेवर किसका ज़्यादा अच्छा है। दोनों को भी जाते हैं KFC पे और वहाँ से जाके फ्राइड चिकन ऑर्डर करते हैं, फिर यहाँ पे आके OPDP का फ्राइड चिकन ऑर्डर करेंगे। सिंगल बॉक्स कर दें और उसके साथ गार्लिक माया है आपके पास? माया कोई भी नहीं पड़ी, बस सिंगल क्रिस्पी बॉक्स कर टेक अवे कर। हाँ जी, और ये है यार क्रिस्पी बॉक्स है। हाँ जी, तो KFC का जो क्रिस्पी बॉक्स है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ये इसका बिल है और ये कोल्ड ड्रिंक है, और साथ में उन्होंने ये दिया है, इसे निकाल के रखते हैं। और अभी ये क्या चीज़ है? अच्छा, बीच में कैचअप वगैरह पड़ा हुआ है, ये कैचअप उन्होंने दिए हैं साथ में टिशू वगैरह अंदर। तो अभी जा के नीचे OPDP का फ्राइड चिकन जो है वो ऑर्डर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। यार एक ना कर दें क्रिस्पी चिकन कर दें, जिसमें दो पीस है ना, एक उसका लेग का पीस है, एक थाई का पीस है, वो कर दें साथ में। माया कौन कौन सी पड़ी? गार्लिक माया, हॉट गार्लिक माया, गार्लिक और हॉट गार्लिक और गार्लिक। अच्छा, हॉट गार्लिक और गार्लिक, एक साथ में गार्लिक माया कर दें और साथ में कोक कर दें एक। और इसके अलावा नहीं, बस यही काफ़ी है। कितना टाइम लगेगा इसमें? तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट लगेंगे, सही, चलें कर दें यार कोई। यहाँ पे जो है हमारे पास OPDP का भी फ्राइड चिकन आ गया और साथ में हमारे पास आ गया ये KFC का। अभी सबसे पहले KFC का जो है ना, अच्छा KFC वालों की जो प्राइस है ना वो काफ़ी कम है, ये OPDP वालों से काफ़ी कम है। ये आया जी, इसमें इन्होंने दिया है 580 का आया KFC का, दो इसमें ये पीस हैं। ये एक है जी चिकन का पीस, ये चिकन है, ये लेग पीस, और ये थाई है। साथ में इन्होंने फ्राइज़ भी दिए और साथ में कोल्सला भी दिया है, और साथ में ये कोक भी दिया। ये आया 580 का। जहाँ पर ये आया जी हमारे पास, ये लेग का पीस है, मतलब थाई का पीस, ये सेम है दोनों के साथ में। ये हमारे फ्राइज़ नहीं है, साथ में कोक, और ये साथ में जो गार्लिक मायो है ये अलहदा मंगवाई है हमने, गार्लिक मायो, कोक भी अलहदा मंगवाई है। इसका जो टोटल बिल बनना है वो है जी 950 रुपये। ये है जी सबसे पहले हमारे पास आ गया KFC का जो है चिकन का पीस। ओ हो, ये है जी चिकन का, ये जो है लेग का पीस है। अच्छा, ये KFC का चूँकि हम ले के आए हैं, इसे मार्जिन देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, ये अंदर तक मसाला नज़र आ रहा है KFC का, ये जो देख रहे हैं मसाला है। अभी इसे वैसे ही खा के ट्राई करते हैं। ओ इंतहाई मज़ेदार किस्म का टेस्ट,
लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि हम पहले वहाँ से लेके आए, लेकिन ये देख सकते हैं ये जो मसाला है ना, ओए होए अंदर तक मसाले का फ्लेवर आ रहा है और अंदर तक मसाला सारा लगा हुआ है। और ये इसकी स्किन है, ये और ये आ गया जी, ओए होए होए होए। अच्छा ये जो फेवरेट चीज़ है ना मेरी केएफसी की यार, ये है ये जो कोल्सला है, इसके साथ लगा के ट्राई करते हैं क्योंकि ये इंतहाई मज़ेदार किस्म का जो केएफसी का कोल्सला है। ओ हो हो इसका टेस्ट ये जैसे रशियन सैलड आप खाते हैं ना वो टेस्ट है, लेकिन यार इसमें वो मैक्रोनीज वगैरह नहीं है, लेकिन जो सिर्फ सेम टेस्ट है ना, टेस्ट सेम वही है जी इनका थाई का पीस। बल्कि पहले मेरा दिल है कि लेग का ही इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये आ गया जी ओपीटीपी का लेग, अब इसका ट्राई करके देखते हैं कि ये ओपीटीपी का जो लेग पीस है इसका टेस्ट कैसा है। ओहो वो ये बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि अभी बन के आया तो धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये सारा जो है ये है जी ओपीटीपी का फ्राइड चिकन। ओहो इसका टेस्ट वैसे ट्राई करते हैं, ये मायो के बगैर ही काफ़ी गर्म है मेरे ख्याल से होगा। अच्छा ओपीटीपी का टेस्ट यार काफ़ी साल्टी साल्टी टेस्ट आ रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा कुक हो गया, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लैक यहाँ पे आ गया। लेकिन जो प्रॉपर पूरा टेस्ट आ रहा है वो यार केएफसी का जो टेस्ट आया ना पहली बाइट में अखीर आया, लेकिन ये इसका यार साल्टी सा आ रहा है, मतलब कि जिस तरह बच्चों के लिए खाने के लिए होता है ना वो है, मतलब कि स्पाइसी नहीं है इतना। अभी यार सिर्फ मुझे ना नमक का टेस्ट आ रहा है और कोई सीन मुझे इसमें समझ नहीं आई, लेकिन पिछली दफ़ा मुझे ओपीटीपी का ज़्यादा अच्छा लगा था। अभी आ गई है जी हमारे पास गार्लिक मायो। अच्छा ये गार्लिक मायो का अलहदा चार्जेस लिए हैं उन्होंने 120 रुपीज़, ये 120 का जो है ना ये अलहदा आया था। अभी इसके साथ लगा के ट्राई करते हैं कि ये किस तरह है। ये आ गया जी हमारे पास चिकन। ओहो और ये लगाते हैं इसको इसकी गार्लिक मायो के साथ। गार्लिक मायो का टेस्ट यार नेक्स्ट लेवल, मतलब जो प्रॉपर आपको मायोनीज थिक मायोनीज का टेस्ट आ रहा है ना, फिर किस्म का यार ये तो बंदा, ये देखिए फुल थिकनेस है इसकी। ओहो मतलब ये कोल्सला और मायोनीज सेम सेम पे है, वो अपनी फील्ड में अच्छा है ये अपनी। अभी थाई का पीस लगा के देखते हैं कि थाई का पीस किस तरह का। ये है जी केएफसी का। ओहो हो ये आ गया जी केएफसी का जो है थाई का पीस। ये आ गया जी हमारे पास इससे अभी। ओहो ये यार मुझे थोड़ा ड्राई सा लग रहा है। अच्छा इसमें ये है कि जो ओपीटीपी का था ना वो काफ़ी फ्रेश लग रहा था मुझे, वो उसके फ्रेशनेस काफ़ी होती है। पिछली वीडियो में अभी अगर आपने मेरी देखी है तो वो काफ़ी फ्रेश होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई सा होता है। इसे लगाएंगे अब इसकी पहले, बल्कि वैसे ही ट्राई करते हैं ये किस तरह है। यार ठंडा होने की वजह से ना थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, लेकिन ये है कि टेस्ट जो इसके अंदर टेस्ट है ना अंदर तक टेस्ट आता है, बूटी के अंदर तक आपको टेस्ट फील होता है। लेकिन ये अगर आप वहीं पे बैठ के खाएंगे तो थोड़ा इसका बेटर एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी इसे लगा के चेक करते हैं ओपीटीपी की मायोनीज के साथ। ये आ गई जी मायो। ओए होए होए ये इसके साथ लगाते हैं। यहाँ जहाँ मुझे सारा मज़ा आ रहा है ना प्रॉपर मायोनीज का अखीर किस्म का टेस्ट आ रहा है। अभी यहाँ पे स्ट्रॉ देखते हैं, ये यहाँ पे केएफसी। अच्छा आज मौसम थोड़ा ना गर्मी वाला, गर्मी आना स्टार्ट हो गई है शायद, इसलिए जो है ना ठंडी को भी मज़ा करवा दिया अपना। अभी
ट्राई करते हैं जो थाई का पीस है ओपीडीपी का, ये थाई का पीस है जी, अब इसको देखते हैं। ओए होए होए होए, ये अंदर तक अब मुझे मसाला नज़र आया इसका, ये काफ़ी फ्रेश जो है ना ओपीडीपी की ये खसूसियत है यार, बहुत फ्रेश किस्म का, अंदर से जूसी चिकन नज़र आ रहा होता है ये देखिए। ओए होए, ये अभी जो थाई का पीस है ये लेंगे। ओ हो, इसके अंदर तक मुझे मसाला नज़र आया और काफ़ी गर्म है यार अंदर से, ये अभी ट्राई करेंगे। यार आज ओपी टिक्की वालों ने ना कोई गड़बड़ की है, पता नहीं क्या सीन है, काफ़ी च्यूई चिकन को भी च्यू करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ये है कि टेस्ट इसका वही नमकीन टेस्ट है, लेकिन ठीक है बच्चों वगैरह के लिए ज़्यादा ठीक है, लेकिन जो असल में टेस्ट आ रहा है ना आज, वो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जो KFC के। अभी इसे लगाते हैं इसके साथ ये जो कोल्ड स्लैग, ये देखते हैं आप कितना मज़ा करवाता है। ओहो, कोल्सला के साथ इसका टेस्ट जो है ना अच्छा आ रहा है, मतलब ये कि अगर आप मायोनीज लगाएं या कोल्सला लगाएं तो दोनों का मज़ा आ रहा है, अगर सिर्फ सेपरेट सेपरेट खाएं कोई चीज़ ना लगाएं तो KFC के फ्राइड चिकन का जो, लेकिन थोड़ा ड्राई हो गया है क्योंकि ठंडा हो गया, लेकिन इसके फ्राइड चिकन का टेस्ट जो है ना अंदर तक टेस्ट आ रहा है, मैं प्रॉपर अंदर का टेस्ट फील हो रहा है, ये मुझे थोड़ा बच्चों वाला लग रहा है। अच्छा ये है कि प्राइस वाइज भी KFC कम था प्राइस में, और जो है क्वालिटी में भी दे है थोड़ा सा ड्राई, पहले भी होता है मैंने KFC पहले भी खाया हुआ, वहाँ पर बैठ के भी खाएं फिर भी ड्राई होता है, ये जूसी काफ़ी ज़्यादा है ये ओपी टिक्की का, लेकिन ये जो टेस्ट है ना बड़ों के लिए KFC का बड़ा ही ज़ालम किस्म का टेस्ट आ रहा है। प्राइस KFC वालों, इनमें कलर डिफरेंस देख सकते हैं आप, ये थोड़ी ब्राउन है, ये वाइट है, तो यहाँ पे अभी KFC अपनी प्राइस के अंदर तो जीत गया, 500-600 कर लें आप, उसमें आपको दो फ्राइड चिकन भी मिल रहे हैं, कोल्सला भी मिल रहा है फ्राइज भी और साथ कोक भी, यहाँ पे दो जो चिकन फ्राइड थे और फ्राइज ये अलहदा मैंने लिए हैं, कोक मैंने अलहदा लिए और गार्लिक माया मैंने अलग लिए, इसके टोटल बिल बना है 950, ये बना है 600, और जो टेस्ट है वो मैंने आपको सारा बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी, आपने OPTP खाना है या KFC खाना है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, कभी पिछली वीडियो में मेरा OPTP मेरे ख्याल से जीत गया था, आज जो है आप खुद ही देख लें KFC ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आती रहेंगी, मतलब मुझे आप कमेंट में भी बताएं कि मैं किसके साथ कंपेयर करूं या और क्या क्या चीज़ें ट्राई करूं, या आपके शहर में आके कौन से फेमस रेस्टोरेंट हैं उनका भी मुझे बताएँ, मैं आपके शहर में आके वो रेस्टोरेंट को भी एक्सप्लोर करूँगा कि कैसा खाना होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इंस्टाग्राम में फॉलो मस्ट करें।